ऐसा कोई भी व्यक्ति अगर वो सिर्फ वीडियो बना रहा हो, एक इंसान तड़प रहा हो, तो उस इंसान में तो बिल्कुल भी इंसानियत ही पूछेगा। ये नहीं बोलेगा कि आपने इसको किया, और वो भी नहीं पूछ सकता है, वो भी कंपलसरी नहीं है। अब एक एक्सीडेंट हुआ, आप लेके जाके हॉस्पिटलाइज कर देते हैं, तो उससे किसी इंसान की आप जिंदगी, आपको अगर बहुत भी पुलिस करे तो यही पूछ सकती है कि आपने इनको कहाँ दिया, लोगों को हमने हमारे नेग्लिजेंस की वजह से। दुर्घटनाएं होती है, दुर्घटनाओं का शिकार भी लोग होते हैं, लेकिन वक्त पर कोई किसी को अस्पताल पहुंचा दे, ऐसी हिम्मत किसी ने नहीं दिखाई, और इसी की वजह से बीते दिनों दो लोगों ने अपनी जान गंवा दी। एक अवेयरनेस और कानून के नज़रिए से क्या कहता है कानून, इस देश का कानून, जहां पर लोग दुर्घटनाओं का शिकार तो होते हैं लेकिन दुर्घटना में जान गंवाने वाले लोगों के लिए, मदद के लिए कोई हाथ नहीं बढ़ाता है। हमारे साथ एडवोकेट हमीद रज़ा खान हैं, सर से बात करेंगे। सर, बहुत ही अफसोसनाक और दर्दनाक एक घटना हुई बीते दिनों, इसको लेकर एक अवेयरनेस, और चाह रहे हैं कि आप के माध्यम से लोगों तक ये मैसेज पहुंचे कि जिस तरह से समाज में हम जी रहे हैं, रह रहे हैं, इस समाज में क्या लोगों की यह भूमिका नहीं होनी चाहिए, यह जिम्मेदारी नहीं होनी चाहिए कि अगर हमारे पास कोई व्यक्ति पड़ा है और खून से लथपथ है, वो जान गंवाने वाला है, उसे वक्त पर अस्पताल पहुँचाया जाए। जी बिल्कुल, ये बहुत अफसोसनाक है कि आप देख रहे हैं कि किसी इंसान की एक्सीडेंट से इस कदर हालत ख़राब है कि वो उसकी जान तक जा सकती है, तो हमारी एक इंसानी फ़र्ज़ बनता है, हम एक हिंदुस्तानी, ये हमारी ज़िम्मेदारी बनती है कि हम कम से कम हॉस्पिटल तक ले जाएं। जहाँ तक बात है कि कानूनी पहलू से क्या उसके ऊपर कोई किसी किस्म की कोई परेशानी होगी, बिल्कुल भी नहीं। आप एट द मोस्ट एक विटनेस बन सकते हैं, अगर बहुत ज़्यादा वैसे कोई पूछताछ ना हो। इस तरीके के कानूनी प्रावधान पहले से ही मौजूद हो चुके हैं, हमारे कानून में लाए जा चुके हैं। ज़्यादा से ज़्यादा आपको अगर बहुत भी पुलिस करे तो यही पूछ सकती है कि आपने इनको कहाँ देखा, और वो गवाह बनना भी कानून में ऐसी ज़रूरी चीज़ों में शामिल किया गया है कि हमको गवाह बनना, हमें बताना ही है, कैसे अच्छे नागरिक की हैसियत से हमें ज़रूर बताना चाहिए, कानून की मदद करनी है। और सबसे बड़ी चीज़ जो आपने, जो पहला सवाल था आपका, कि जो लोग एक्सीडेंट से, जिनका भी दुर्घटनाग्रस्त हो जाते हैं, उनको क्या हॉस्पिटल में बिल्कुल भी ले जाना चाहिए। हम में, आप में, किसी का भी हो सकता है, एक्सीडेंट तो किसी के साथ हो सकता है, तो इसमें हमारी ज़िम्मेदारी बनती है, हमें बिल्कुल ही ले जाना चाहिए। हाँ, और एक मैं ज़रूर गुजारिश करूँगा, अपील करूँगा कि जो लड़के, यंग लड़के हैं, जो टीनेजर लड़के हैं, वो जिस कदर गाड़ियाँ जैसी चला रहे हैं, वो इतना रैश एंड नेग्लिजेंट गाड़ी चलाते हैं, मतलब वो अपनी लाइफ तो ख़तरे में डालते ही हैं, दूसरों की भी ज़िंदगी को बहुत ख़तरे में डाल रहे हैं। उस पर उनके पेरेंट्स को बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। सर, इसमें सबसे महत्वपूर्ण और सोचने वाली बात यह है कि जो टीनेजर्स है, बाइक चलाते हैं, रैश ड्राइविंग करते हैं, कानून भी बना हुआ है इसको लेकर, लेकिन ज़िला प्रशासन हो, सरकारें हो, इसको लेकर पालन नहीं करवा पाती हैं, फॉलो नहीं कर पाते हैं बच्चे। एब्सोल्युटली सही, आपने सही कहा इसमें। लेकिन देखिए, सिर्फ ज़िला प्रशासन की, हम उन्हीं को सिर्फ कसूरवार नहीं ठहरा सकते हैं, उनके तरफ से तो कहीं ना कहीं थोड़ी सी वो, मतलब ये कहें कि नेग्लिजेंस हो रहा है, लेकिन हमारे पेरेंट्स, हम सब सोशल, जो हमारी सोसाइटी है, इन हम सब लोगों की जिम्मेदारी बनती है। हमारे घर से जब हमारा बच्चा निकलता है गाड़ी लेकर के, छोटा टीनेजर बच्चा, वो कैसी गाड़ी चला रहा है, तो माँ बाप को भी वो सोचना चाहिए कि ये सबसे पहली जिम्मेदारी उनकी है। ज़िला प्रशासन की तो जिम्मेदारी ये बनती है कि जो लड़के पढ़ रहे हैं उन पर पेनालाइज़ किया जाए, और इतना स्ट्रॉन्ग पेनालाइज करें। कई लोग स्टंट कर रहे हैं, मेन रोड पे स्टंट कर रहे हैं, आप भी बगल से गुजर रहे हो तो आप भी दहशत में आ जाते हैं कि भाई वो तो मरेगा, वो एक्सीडेंटल नुकसान उठाएगा, उसका, उसकी गाड़ी भी क्षतिग्रस्त होगी, वो खुद भी नुकसान उठा सकता है। लेकिन वो जो दूसरे लोग भी चल रहे हैं राहगीर उस रोड से, उस वक्त जबकि वो एक बंदा, जो पिलियन राइडर, जब वो उस तरीके के स्टंट का मुजाहरा करता है, तब बहुत मसला होता है, सारे लोग परेशान होते हैं। और इन चीज़ों के ऊपर ज़िला प्रशासन तो रोक लगाएगा ही लगाएगा, उससे ज़्यादा उनके पेरेंट्स को भी रोक लगानी चाहिए जिनके बच्चे इस तरीके का स्टंट कर रहे हैं। लोग गाड़ियाँ ही क्यों दे रहे हैं? कई सारी आप दुर्घटनाएँ देखें जिसमें बड़े यंग बच्चे एकदम से टीनेज वाले थे, घर वाले भी बाद में रोते हैं। अगर आप पहले ही रोक लें, वक्त रहते ही आप रोक दें, तो शायद वो उस दुर्घटना को आप रोक सकते हैं, जिस दुर्घटना से आपका सब कुछ लूट सकता है। सर, एक और सवाल ये रहेगा कि जिस तरह से पुलिसिया कार्रवाई होती है ज़िला प्रशासन के द्वारा, हेलमेट चेकिंग हो या फिर लाइसेंस चेकिंग वगैरह, जो चेकिंग पॉइंट्स बनाए जाते हैं उन जगहों पर, तो इसको लेकर भी कई सारे लोग सवाल उठाते हैं, तो क्या ये सही है? और इस तरह जो दुर्घटनाएं हो रही है, इससे बचाया जा सकता है, इस तरह से जो पुलिसिया कार्रवाई होती है? मेरे ख्याल में लगता है कि चेकिंग को तो सबको कोऑपरेट करना चाहिए। आप एक अच्छे नागरिक हैं,
आप क्यों भाग रहे हैं, आप चोर हैं, उचक्के हैं, आप क्यों भागते हैं प्रशासन से? प्रशासन आपसे क्या मांग रहा है? आपसे ड्राइविंग लाइसेंस मांगता है तो आप दिखाइए, क्यों नहीं दिखाएंगे? आप बगैर ड्राइविंग लाइसेंस के क्यों गाड़ी चला रहे हैं? हेलमेट आपकी सुरक्षा के लिए, आपकी हिफाजत के लिए कहा है एडमिनिस्ट्रेशन ने, आप हेलमेट नहीं लगाएंगे और आप बार बार ये एडमिनिस्ट्रेशन को ये कसूरवार ठहराएंगे, वो भी तो अच्छी बात नहीं है। कहाँ की अच्छी बात है? एडमिनिस्ट्रेशन जब आपके ऊपर चेक करता है तो आप एडमिनिस्ट्रेशन के खिलाफ बोलने लग जाते हैं, ये गलत कर रहा है, तो ये एडमिनिस्ट्रेशन वहाँ कहाँ गलत? कैसे आखिर कोई भी कैसे एक अच्छे समाज को आप बना सकते हैं? आप अपने जो मुहाफिज हैं, जो चीज़ों को बेहतर लाना चाहते हैं, जो सरकार के कानून बनाए हुए हैं, जिन कानूनों को इसलिए बनाया गया है कि वो आम आवाम के हिफाजत हो सके, उस कानून को जब इम्प्लीमेंट कराया जाता है तो आप प्रशासन पे बोलते हैं ये वाला चेक पॉइंट हटा दीजिए, वो चेक पॉइंट हटा दीजिए। हम तो अपने घर के बगल घूम रहे थे, जब मोटर व्हीकल एक्ट में इस तरीके के स्पेसिफिक लॉज हैं कि आपको रोड पे निकलना ही है, जिस तरह जैसे ही आप गाड़ी लेके निकलते हैं आपको हेलमेट में आना चाहिए, आप वो उसको क्यों, कानून का पालन क्यों नहीं कर रहे हैं? उससे आप ही की तो हिफाजत होनी है। ज़िला प्रशासन आपको पिनालाइज क्यों करता है? इसलिए करता है क्योंकि आपने उन चीज़ों का पालन नहीं किया, और वो पालन नहीं कर रहे हैं तो उससे आप ही नुकसान उठा सकते हैं, तो उस नुकसान को उठाने के लिए ज़िला प्रशासन आपको कर रहा है। फिर ज़िला प्रशासन कैसे करके आपको, कैसे एक अच्छे समाज का निर्माण आप कर सकते हैं, कैसे करके आपको हिफाजत दिलाया जा सकता है? कानून तो इसलिए बनाया जा रहा है कि ताकि आम नागरिक जो है वो महफूज रह सके, पर हम पालन ही नहीं कर रहे, हम उल्टा अपने सारे जो एग्जीक्यूट करा रहे हैं कानून, उन्हीं को हम ख़राब सोच रखे उनके बारे में, उनके बारे में गलत बोलते रहे, तो उससे तो कोई फ़ायदा नहीं, हल तो होना नहीं है मसले का। सर, अगर कोई व्यक्ति दुर्घटनाग्रस्त हो गया हो, दुर्घटना का शिकार हो गया हो, और उस वक्त में कोई आसपास कोई व्यक्ति हो, तो उसकी सामाजिक जिम्मेदारी क्या बनती है? उसे अस्पताल पहुँचाए, ना कि उसका वीडियो बनाए और उसको तड़पते हुए यूँ ही छोड़ दिया जाए? ऐसा कोई भी व्यक्ति अगर वो सिर्फ वीडियो बना रहा हो, एक इंसान तड़प रहा हो, तो उस इंसान में तो बिल्कुल भी इंसानियत ही नहीं है। आप समझिए, आपका कोई भी हो, जिन लोगों में इंसानियत, आप देखिए एक जानवर को लग जाता तो लोग जिनके दिलों में मोहब्बत है इंसानियत से, ज़िंदगी से, वो उतरते उतरते उस जानवर के लिए भी कुछ करते हैं कि इसकी ज़िंदगी बचाई जा सके। और एक इंसान, हमारा इंसानी फ़र्ज़ बनता है कि हम उसको हॉस्पिटल ले जाएँ। क्या होगा, एडमिनिस्ट्रेशन इतना थोड़ी बेरहम है कि आपके ऊपर ही केस कर दे कि आपने इसको मार दिया? ऐसा नहीं है, ऐसा होता नहीं है। लोगों में शायद गलत फहमियाँ हों, आप लेके जाएंगे, हॉस्पिटलाइज करेंगे, दैट्स ऑल। बहुत ज़्यादा होगा पूछ सकता है एडमिनिस्ट्रेशन, अगर और भी कुछ हो, मानिए एक्सीडेंट के जगह, एक्सीडेंट के आड़ में कोई तरीके का इंटेंशनल कोई वो मौत दे दी गई है किसी को, तब वो उस ऐसी चीज़ों को बारीकी से जानने के लिए ही आपसे ज़्यादा से ज़्यादा एज ए विटनेस पूछेगा, ये नहीं बोलेगा कि आपने इसको किया। और वो भी नहीं पूछ सकता है, वो भी कंपल्सरी नहीं है। अब एक एक्सीडेंट हुआ, आप लेके जाके हॉस्पिटलाइज कर देते हैं, तो उससे किसी इंसान की आप ज़िंदगी बचा रहे हैं। वो किसी घर का हो सकता है, शायद इकलौता संतान हो, उसके माँ बाप की कितनी मोहब्बत होगी उस बच्चे से, और आपने जब उसको नेगलेक्ट किया, उसकी जान चली गई, आपने कितने दिलों को आपने, मतलब वो आप सुकून दे सकते थे, आपने नहीं किया वैसा काम, ये तो बिल्कुल गैर इंसानी काम है। सर, आखिर में आप क्या मैसेज देना चाहेंगे उन लोगों को जो ऐसे समाज में जी रहे हैं, ऐसे समाज में रह रहे हैं, और मौका पड़ने पर, ज़रूरत पड़ने पर इस तरह से लोगों को छोड़ देते हैं और आगे बढ़ जाते हैं? ऐसे लोगों को ये सोचना चाहिए कि ये किसी के साथ भी हो सकता है, एक्सीडेंट है, एक्सीडेंट मीन्स एक्सीडेंट, वो किसी के साथ हो सकता है। कभी किसी के ऐसे लोग जो, अगर इस तरीके का समाज बना जिसमें कि कोई किसी के लिए केयर नहीं कर रहा है, अगर ये चीज़ें बढ़ जाती हैं तो कल कोई भी गिरा रहेगा, कोई किसी को ध्यान ही नहीं देगा। तो कई सारी जानें हम बचा सकते थे, उन जानों को हमते थे, उन जानों को हमने हमारे नेग्लिजेंस की वजह से जाने दिया, इसके लिए हम सबों को जिम्मेदारी तो लेनी ही चाहिए। सर, आखिरी में एक और सवाल आपसे ये रहेगा, और लोगों को ये मैसेज अपने ज़रिए से दें कि जिस तरह से टीनेजर्स बच्चे रैश ड्राइविंग कर रहे हैं, बाइक चला रहे हैं, उन गार्जियन को आपकी तरफ से क्या मैसेज रहेगा, संदेश रहेगा, किस तरह से वो अपने बच्चों को ताकीद कर सकते हैं? मेरे ख्याल में जो पेरेंट्स दे रहे हैं उनको ये सिर्फ सोचना चाहिए कि ये बच्चे जिनको उन्होंने गाड़ियों की चाबियाँ दी हैं, और जो कम उम्र के बच्चे हैं जो रैश एंड नेग्लिजेंट एक्ट वाला काम करके गाड़ी चला के अपनी ज़िंदगी को ख़तरे में डाल रहे हैं, तो ये पेरेंट्स अपने बच्चों से मोहब्बत नहीं कर रहे हैं, बल्कि वो अपने लिए